नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आईसीआर का जो 2019 का एग्ज़ाम होना है उसमें थोड़ा सा ये कहेंगे कि एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कहेंगे कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है उसके अंतर्गत इसका कहेंगे कि एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और अब जो ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो सभी एनटीए जो है वो कंडक्ट कराएगा। तो उसी में आपका जो आईसीआर का एग्ज़ाम है, आईसीआर 2019 का जो एग्ज़ाम है वो भी कौन कराएगा? एनटीए कराएगा अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसका कहेंगे कि एक तरीके से शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है जो एनटीए ने, कि जो 2019 का एग्ज़ाम है कहेंगे कि वो आपका आईसीआर चाहे यूजी हो या पीजी हो, एसआरएफ या जेआरएफ, तो उसका 1 जुलाई को अर्थात एग्ज़ाम जो होना है वो क्लियर हो गया है कि 1 जुलाई को सभी का एग्ज़ाम रहेगा। एक ही डेट इन्होंने फिक्स कर रखी है और इसमें इन्होंने टेस्ट के लिए दिया है। हमें लग रहा है कि जो इससे पहले था कहेंगे कि क्वेश्चन थे या जो भी था उनका पैटर्न वही है, पैटर्न में कोई चेंजेज नहीं किया गया है। तो यूजी के लिए 600 और कहेंगे कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, और कहेंगे कि ये आपका 150 मिनट्स का होगा। और आईसीआर पीजी का जो है वो 640 मार्क्स का होगा और 160 क्वेश्चन होंगे। और पीजी को वही जो चीज़ें हैं कहेंगे कि ये आपका एसआरएफ जेआरएफ का जो है तो वही चीज़ है, इसमें कोई चेंजेज नहीं। बस ये एक चेंजेज है कहेंगे कि जिस तरीके से पिछली बार हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, और इस बार फिर उन्होंने सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार भी वो कंप्यूटर पे फिर से स्टार्ट करेंगे, अब देखिए क्या होता है। दूसरी चीज़ यह है कि जैसे कि आईसीआर का जो फॉर्म है पहले आईसीआर की साइट पे था, तो अब एनटीए कराएगा तो ये एनटीए की साइट पे रहेगा, www.nta.ac, या कहेंगे कि ntaicr.nic पे जो है आपको 1 अप्रैल 2019 से जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक रहेगा, और कहेंगे कि 1 मई तक आप फीस पेड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जैसे क्लियर हो गया आपका 1 जुलाई है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको फॉर्म हाल में फिलअप कर देना है। और उसके बाद ये भी है कि एनटीए एक तरीके से ये पूरा अदर जो इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है उनके लिए भी है, तो साइट हो सकती है कि बिजी चले, इसलिए जल्द से जल्द जो भी स्टूडेंट हैं वो मैं ये उनको सजेस्ट करूँगा कि वो जैसे 1 अप्रैल स्टार्ट होता है तो पहले ही, क्योंकि बाद में सर्वर स्लो चलने लगता है तो दिक्कत हो सकती है, तो स्टार्ट कर देंगे। और अभी कल जब आ जाएगा कहेंगे तो फिर हम इसके बारे में डीपली बता देंगे कि उसमें क्या चेंजेज अगर कुछ हुआ होगा और क्या चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें बताने लायक होंगी उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जैसे अब ये आपका एक क्लियर हो गया कि एनटीए की साइट पे मिलेगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो एनटीए ही कराएगा जो ह्यूमन रिसोर्स, तो अच्छी बात है क्योंकि ये ह्यूमन कहेंगे कि रिसोर्सेज अर्थात ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऑल इंडिया लेवल का।